तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब कोई ठीक होगे। तो जैसा कि नेटफ्लिक्स में एक नया मूवी आया है जिसका नाम है लूप लपेटा, जो कि रिलीज हुई थी 4 फरवरी को, और लूप लपेटा को डायरेक्ट किया है आकाश भाटिया ने। तो जब मैंने लूप लपेटा का पहली बार ट्रेलर देखा तो मुझे लगा चलो इतना दिन बाद कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ मुझे ये लग रहा था कि शायद से इसका कॉन्सेप्ट भी यूनिक होगा। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये मूवी रीमेक है। रन लोला रन करके एक जर्मन मूवी है जो कि रिलीज हुई थी 1998 में, उसी की रीमेक है ये लूप लपेटा। और जब मैंने लूप लपेटा मूवी देख लिया तब मुझे जाकर पता चला ये तो एक रीमेक मूवी है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मूवी देखने के बाद ही मुझे कैसे पता चला कि लूप लपेटा एक रीमेक मूवी है। तो बताता हूं लेकिन इंट्रो के बाद। तो जब मैं लूप लपेटा मूवी देख रहा था तब मुझे कहीं ना कहीं लूप लपेटा की कॉन्सेप्ट देखी देखी लगी, और मुझे तो देखते टाइम ये लग रहा था कि लूप लपेटा मूवी की कॉन्सेप्ट मिक्सचर है लूडो, बार बार देखो और लूट केस का। अगर आप लोगों ने भी ये तीनों मूवी देख रखी है तो लूप लपेटा मूवी देखते टाइम आप लोग को भी ये बात फील होगी। खैर, लूप लपेटा देखने के बाद मैंने पता किया, तभी जाकर मुझे पता चला ये मूवी तो रीमेक है। अब ये सवाल उठता है कि क्या लूप लपेटा मूवी एक अच्छी रीमेक मूवी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये खराब रीमेक मूवी है, और दूसरी बात ये है कि एक बॉलीवुड रीमेक मूवी है। और अब तो पूरी दुनिया बोल रही है बॉलीवुड को कि मत बनाओ रीमेक, और अगर बना भी रहे हो तो अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ बनाओ और अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ भी। पर नहीं, बॉलीवुड को तो हम लोग को गु खिलाना है। लूप लपेटा का सबसे बड़ा गलती ये है कि उसका रन टाइम जो कि है 2 घंटा 11 मिनट, बल्कि रन लोला रन का रन टाइम था 1 घंटा 21 मिनट। लूप लपेटा में लगभग 1 घंटा एक्स्ट्रा ऐड हुआ है जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि जितने भी सीन्स ऐड हुए हैं एक्स्ट्रा वो सिर्फ मूवी का रन टाइम बढ़ाया, और उसके बदले में हम लोग का सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ। लूप लपेटा का दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये था कि उसका स्क्रीन प्ले बहुत खराब था। जब कोई रीमेक मूवी बनती है उस मूवी में स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ एक्टिंग और जो सीन्स ऐड हो रहे हैं उसका सेंस बनना बहुत जरूरी होता है, तभी जाकर वो एक अच्छी रीमेक मूवी बनती है। खैर, इन सब के अलावा लूप लपेटा का पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, कैमरा वर्क बहुत अच्छे से हुआ है, और एक्टिंग में तापसी पन्नू वैसे ही एक्टिंग की है जैसे वो हमेशा करते आ रही है, और ताहिर भासिन का एक्टिंग बहुत अच्छा था, बस उन्होंने मूवी गलत चूज कर ली। पर फिर भी जब स्टोरी रीमेक हो, कॉन्सेप्ट भी रीमेक हो और साथ ही साथ स्क्रीन प्ले भी खराब हो, तो कितनी भी मेहनत कर लो मूवी में वो मूवी फ्लॉप करेगी, जैसे कि ये की। और इस सीरीज का करेंटली IMDb रेटिंग है 4.4, लेकिन मैं देना चाहूंगा इसे सिर्फ 4। तो ये था मेरा लूप लपेटा का नो स्पॉइलर रिव्यू, और आपको कैसी लगी ये मूवी मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। तो कीप सपोर्टिंग मी, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट ऑन दिस वीडियो, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर इस चैनल का इंस्टाग्राम आईडी भी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।